जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube परिवार में। साथियों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से सवाल ट्रेड संबंधित पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपको वही जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए अगर आपने कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों मैंने पूरी एक सीरीज चलाई थी जिसमें बहुत सारे ट्रेड के वीडियोस मैंने डाले थे जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब तीन जो ट्रेड टेस्ट है हमारे बच जाते हैं जिसमें सफाई कर्मचारी और वॉशरमैन और बार्बर, इन तीन ट्रेड का एक ही साथ में वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने इन तीनों में से किसी में भी अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। दोस्तों इसी के साथ बताऊंगा आपका रिजल्ट कब तक घोषित होगा। तो दोस्तों देखिए जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको 15 से 20 अक्टूबर तक घोषित हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो ट्रेड टेस्ट है दोस्तों इसी मंथ में लास्ट में हो सकता है आपका कंडक्ट कराया जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको दिसंबर से पहले पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर देने की पूरी कोशिश आईटीबीपी द्वारा की जा रही है और दोस्तों इसी साल आपका ज्वाइनिंग भी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जो भी जानकारी यहाँ पर मिलती है उसको ध्यान से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में एक सीट आपका पक्का मान के चलिए। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं नंबर एक कांस्टेबल सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट में आपको पूछे जाने वाले सवालों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है जिसमें नंबर एक सवाल आपका जो है कॉमन सवाल जो पूछा जाता है नॉलेज अबाउट टूल्स क्लीनिंग मटेरियल्स यूज्ड इन द ट्रेड वर्क। यानी दोस्तों जो नॉलेज आपको होना चाहिए जो सफाई में यूज होने वाले सामान के बारे में, आपका क्लीनिंग का जितना भी मटेरियल है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है साथियों, 10 नंबर के लिए यह सवाल पूछा जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर पूछा जाता है क्लीनिंग ऑफ बाथरूम टॉयलेट वॉशरूम वॉश बेसिन एक्सेट्रा। यानी आपका प्रैक्टिकल जो है वहां पर करवाया जाएगा जिसमें आपको टॉयलेट बाथरूम और वॉश बेसिन सफाई करवा के दिखाना होगा जिसमें आपको 10 नंबर दिया जाएगा। इसके साथ अगला जो सवाल है साथियों जो आपको ट्रेड टेस्ट में प्रैक्टिकल करवाना होता है कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश गार्बेज एट्रेस्ट्रा। यानी जो कचरा होता है और जो डिस्पोजल ग्लास या डिस्पोजल जो भी ऐसा मटेरियल होता है जिसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है और गार्बेज का कैसे वहां पर व्यवस्थापन किया जाता है ये सब जानकारी आपको देनी होगी तो वहां पर 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। साथियों इसी के साथ सफाई कर्मचारी में पूछा जाने वाला अगला सवाल है 15 नंबर के लिए पूछा जाता है एबिलिटी टू ओपन अ ब्लॉक्ड सीवर पाइप लाइन लैट्रिन एंड सेफ्टी टैंक। यानी अगर कोई जो सेफ्टी टैंक होता है या सीवर पाइप होता है अगर वो ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको कैसे दूर किया जाता है, ये नंबर आपका 15 नंबर के लिए सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों अगर ये आपने कर लिया तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको केवल बताना होगा कि अगर उसको ब्लॉकेज होता है तो कैसे इसको दूर किया जाएगा। साथियों सबसे आसान जो टेस्ट होता है वो सफाई कर्मचारी का होता है क्योंकि सफाई संबंधित हम सब घर में सफाई करते हैं तो हमको उसके बारे में जानकारी होती है। साथियों इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड टेस्ट है कांस्टेबल वॉशरमैन का। इसमें दोस्तों सेम 50 नंबर का ही आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा जिसमें सबसे पहले पूछा आपको जाएगा वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। यानी कपड़े के जो टाइप्स होते हैं वेरियस टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार के कपड़े जो होते हैं आयरन के लिए कौन कौन से कपड़े होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉटन होता है, टेरिकॉट होता है, वुलन होता है, यानी विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। 15 नंबर पर पूछा जाने वाला ये ट्रेड टेस्ट का सवाल है साथियों, बहुत इजी सवाल है, 15 नंबर आप इसमें आराम से ले सकते हो। यानी सेकंड नंबर का जो सवाल है दोस्तों आयरन ऑफ क्लोथ्स यानी जो कपड़ा होता है उसको आयरन करना और उसकी तही बनाना आपको आना चाहिए, इस पे आप 10 नंबर ले जाओगे। सबसे इजी दोस्तों इसी के साथ वॉशरमैन का भी ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों नॉलेज अबाउट ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स यानी ड्राई क्लीनिंग किन किन कपड़ों पर की जाती है और कैसे उसका यूज होता है ये सारी जानकारी अगर आप वहां पर दे दोगे तो आपका 10 नंबर ड्राई क्लीनिंग संबंधित पूछे जाने वाले सवाल में आपका क्लियर हो जाएगा। अगला जो लास्ट यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों नॉलेज अबाउट यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट्स वॉशिंग पाउडर सोप्स एटसेट्रा एंड देयर यूज इन करेक्टली क्वांटिटी। यानी कपड़ा धोते संबंधित यहाँ पर जानकारी पूछी गई है दोस्तों जिसमें आपको कितना सर्फ यूज करना है, कितने मात्रा पानी में आपको कितना सर्फ डालना होगा और कौन सा साबुन या मतलब अलग अलग प्रकार के टेबल पर वहां पर लेआउट रखा होगा जिसमें आपका सर्फ रखा होगा, साबुन रखा होगा जिसमें कोई भी कवर वहां पर नहीं लगा होगा और आपको सर्फ वहां पर देखकर पहचानना होता है कि ये कौन सा सर्फ है, व्हील है, सर्फ एक्सेल है, ये मैटिक है या सर जो मशीन में यूज होने वाला सर्फ है। तो इस तरह का वहां पर टेस्ट होता है और आपको इसमें 15 नंबर पूछा जाता है
जो कि आपका पूरा बन जाता है दोस्तों 15 और टोटल 50 नंबर यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो ये भी एक आसान तरह का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर वॉशरमैन का होता है। अगला है साथियों कांस्टेबल बार्बर, ये भी 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें आपका मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सवाल पूछे जाएंगे जिसका प्रैक्टिकल आपको करना होगा। जो कि फर्स्ट है दोस्तों हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हेयर कटिंग आनी चाहिए, जो कि अलग अलग डिफरेंट जैसे कि आर्मी कट होता है या और भी कोई जो कटिंग्स होती है वो आपको करने आनी चाहिए, जिसपे सबसे ज्यादा 20 नंबर आपका इसी नंबर पे, क्योंकि बेसिक यही पर है, आपको कटिंग आना चाहिए हेयर कटिंग। इसी के साथ बॉडी हेड मसाज, ये आपका 15 नंबर का सवाल यहाँ पर बॉडी मसाज एंड हेड मसाज का होता है। इसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पर पूछा जाने वाला है बार्बर के लिए नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स मशीन्स यूज इन देयर ट्रेड वर्क, यानी ट्रेड संबंधित काम आने वाले जितने भी टूल्स है, जैसे कि जो कैंची होती है, उस्तरा होता है, एक मशीन होती है जिससे हेयर कट किया जाता है, आर्मी कटिंग की जाती है, उन मशीन के नाम, उन टूल्स के नाम याद कर लीजिएगा, वो आपका यहाँ पर 15 नंबर पर पूछे जाने वाला सवाल है। तो 15 और 15, 30 और 20, 50 नंबर आपके केवल 3 सवाल पूछने पर, ये अगर आपने एक्चुअल में करेंटली बता दिया तो यहाँ पर 50 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों तीनों जो ट्रेड टेस्ट से बहुत आसान ट्रेड यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। और दोस्तों कांस्टेबल बार्बर का जो है ये आपको आना चाहिए, बाकी तो आप दोनों जो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर सफाई कर्मी और वॉशरमैन का ये तो आप इजीली पास कर जाओगे, लेकिन कांस्टेबल बार्बर एक्चुअली ट्रेड टेस्ट ऐसा है जो कि आपको काम आना चाहिए और आपको प्रैक्टिकली वहां पर कटिंग करके दिखाना होगा, तभी आपको वहां पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों केवल बार्बर ऐसा एक ट्रेड टेस्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जैसे कोई आपके नजदीक में कोई बार्बर शॉप होगा तो आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपका थोड़ा सा कम प्रैक्टिस है तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, टूल्स के नाम याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यही कॉमन सवाल यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं।